पीने के पानी और साफ सफाई के लिए रकम का इंतजाम, अपने गांव की तरक्की की जिम्मेदारी हल्का पंचायत की है। यह हल्का पंचायत ही है जो देही आबादी को सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए अहम बुनियादी सहूलियात फराहम करने में अपना नुमाया किरदार अदा करती है। दर हकीकत हल्का पंचायत एक अहम मकामी इंतजामी इदारा है जो गांव की तरक्की में तवक्कियात पर पूरा उतरने का जिम्मेदार है। 73वीं आईनी तरमीमी एक्ट 1993 के डिसेंट्रलाइज्ड के उसूलों की रोशनी में पीने के साफ पानी और साफ सफाई की फराहमी को 11वीं शेड्यूल में 29 कामों में शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक साफ पीने का पानी और साफ सफाई को फराहमी को यकीनी बनाना हल्का पंचायत की जिम्मेदारी है। मकामी सतह पर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के साथ गांव की पंचायत को अपने पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए बजट तैयार करना होता है। ये अखराजात की अशिया और आमदनी के जराए की एक सादा दस्तावेज है जो बुनियादी तौर पर कम्युनिटी और हल्का पंचायत के तआवुन से हासिल की जाती है। पीने के पानी के लिए रकम का इंतजाम और बजट की जरूरत क्यों है? अमूमन कोई भी काम करने के लिए हम आमदनी और अखराजात का तखमीना मुस्तकबिल के मंसूबों और मकासिद की बुनियाद पर लगाते हैं। ठीक इसी तरह पीने के पानी और साफ सफाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए मंसूबा बंदी और मकासिद को बुनियाद बनाकर आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाते हुए यह तय करना जरूरी है कि कितनी रकम कहां खर्च करनी है और कितनी रकम कहां से वसूल करनी है। पंचायती नुमाइंदों को अपनी आमदनी और आने वाले सालों में पीने के पानी और साफ सफाई पर होने वाले अखराजात का हिसाब किताब करने के बाद उस सिमत में काम करना चाहिए। किसी भी रियासत या मुल्क की मईशत हुकूमत के बजट से ही मुतासिर होती है, इसलिए बजट के बहुत से मकासिद होते हैं। जैसे इस तरह से होता है हल्का पंचायत वाटर सप्लाई मंसूबा बजट। सबसे पहले अखराजात का हिसाब लगाया जाता है, उसके बाद हल्का पंचायत की शराकत का फैसला किया जाता है। कंज्यूमर चार्ज वाटर चार्ज वसूल की जाती है, जरूरत पड़ने पर बकाया रकम का इंतजाम करने के लिए मुख्तलिफ जराए से राबता करें और उनसे फंड्स मुख्तस करें। मिसाल के तौर पर अगर वाटर वर्कर्स के अखराजात निकालना है तो उसके लिए पानी की खिदमात के दायरे कार और साइज की बुनियाद पर जिस इलाके में काम की जा रही है वहां के मुलाजमीन का अमले की तादाद पर तायुन किया जाना चाहिए। इस काम को इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, कारकुन की तादाद गुना माहाना तनख्वाह गुना 12 बराबर माह तखमीनी अखराजात। इसी तरह पानी समेती दफ्तर के अखराजात का तखमीना लगाने के लिए माहाना अखराजात गुना 12 बराबर माह तखमीनी अखराजात का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर जमीनी सतह पर डेटा जमा करके सर्वे और इन्वेस्टिगेशन पर होने वाले अखराजात का अंदाजा लगाना, हल्का पंचायत की सरपंच के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? हल्का पंचायत के घरानों में पानी की फराहमी और सफाई सुथराई की जरूरियात को पूरा करना, हल्का पंचायत तरक्याती प्रोग्राम यानी GPDP में पानी और सफाई की सहूलियात को तरजीह देना, सभी मुतालिका अफराद के लिए गाँव की सतह पर मालूमात तालीम और मवासिलाती सरगर्मियों पर जोर देना, गाँव की सतह पर काम करने वाले अफराद जैसे तकनीकी माहिरीन की इस्तेदाद कार में इजाफा करना, पीने के पानी से मुतालिक
तरबियत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना, पानी और सफाई की सहूलियत की तामीर और देखभाल में हिस्सा लेना, पानी और सफाई के इंतजाम को मुयस्सर इंतजाम की जरूरत है, उसके लिए देही पानी और सफाई कमेटी को हल्का पंचायत और पानी के कारकुनों की सलाहियत को मजबूत करना चाहिए। अमल दरामद की निगरानी के लिए कुछ आलात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अमल दरामद की निगरानी, देही पानी और सफाई कमेटी और हल्का पंचायत को आमदनी और अखराजात का रजिस्टर रखना चाहिए। इसमें आमदनी और अखराजात की तारीख के एतबार से तफसीलात दर्ज की जाना चाहिए। अगर किसी किस्म की गड़बड़ी या शिकायत हो तो उसके बारे में हल्का पंचायत को गांव की साफ पानी और सफाई कमेटी को मतला करें। इस काम को कंप्यूटर के जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। याद रहे कि हमारी जिंदगी की बुनियाद पीने के साफ पानी से है, इसलिए पीने के पानी को महफूज करना जरूरी है। आज ही करें हम सब वादा, पीने का पानी को करेंगे जखीरा। जय हिंद, जय भारत।